सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए दबाइए बेल आइकन। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी जानकारी वही जो है आपके लिए सही। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एक अनबॉक्सिंग, वो भी एक टैब की, और वो टैब ये वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये टैब है लिनोवो का 7 Essential, और इसकी खासियत ये है कि ये दोस्तों सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि इसके अंदर फीचर क्या है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, ये कहाँ आपको मिल पाएगा, और साथ साथ में हम जानेंगे मेरी राय। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग लिनोवो के 7 Essential की। इसका मॉडल नंबर है 7304F, जो कि वाईफाई ओनली है, और ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चूंकि मैंने पहले से इसकी अनबॉक्सिंग कर रखी है देखने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, ये किस तरह से काम कर रहा है, इसकी वजह से ये इसका पैकेट ये देखिए खुला हुआ है। यही मेरे तरफ से इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है और मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी। तो चलिए हम इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसका, यहाँ पर इन्होंने इसके कुछ फीचर्स के बारे में लिख रखा है, इसके स्क्रीन साइज़ के बारे में लिख रखा है, इधर कुछ भी नहीं है। यहाँ इन्होंने अपनी ब्रांडिंग और टैब का कर रखा है, इधर कुछ नहीं है। इसकी जो फ्रंट में है यहाँ पर इन्होंने इसका नाम लिख रखा है टैब 7 Essential, ये Essential सीरीज़ का होगा। और बैक पर इसके सारे फीचर लिख रखे हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी। वाईफाई का है, इसका कलर लिख रखा है, यहाँ पर इसकी सारी प्रोडक्ट की डिटेल लिख रखी है। तो हम इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर भी इन्होंने इसके कुछ फीचर का मेंशन कर रखा है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताऊंगा जब हम इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर के बारे में बात करेंगे, तब बताऊंगा मैं कि ये क्या चीज़ें हैं। चलिए हम इसको खोल के देखते हैं। चलिए प्रॉपर अनबॉक्सिंग का एक फील ले लिया जाए। तो ये है हमारी डिवाइस, और डिवाइस के साथ हमें मिलता है इसके जो मैनुअल्स और जो इंस्ट्रक्शन वाली गाइड्स, और हमें मिलती है एक चार्जिंग केबल, हमें मिलता है एक 5 वोल्ट का चार्जर। यहाँ पर इसका वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट का चार्जर है ये। तो हमें ये सारी चीज़ें इसके साथ मिलती है। दोस्तों इसके साथ हमें ना तो ईयरफोन मिलेगा और ना ही कोई प्रोटेक्शन की या फिर कुछ और बैक कवर वगैरह कुछ और मिलेगा। इसके साथ हमें सिर्फ मिलेगा एक तो टैब, चार्जर और चार्जिंग केबल, बाकी और इसके साथ कुछ नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस टैब में और क्या क्या बाहर फीचर दे रखे हैं। इन्होंने नीचे यहाँ पर कुछ इसके जो फीचर हैं वो लिख रखे हैं सारे, इसको मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पर इन्होंने लिनोवो की एक ब्रांडिंग कर रखी है, लेकिन ये काम आता है SD कार्ड के लिए। यहाँ पर आप एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं जिसे एक्सपांड किया जा सकता है। ऊपर यहाँ पर दे रखा है चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पर दे रखा है आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रिप के साथ इन्होंने ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, और ये मेटल का लग रहा है। यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम रॉकर दे रखा है, नीचे यहाँ पर माइक दे रखा है, फ्रंट में यहाँ पर कैमरा है, और यहाँ पर इन्होंने स्पीकर दे रखा है जो फ्रंट स्पीकर इन्होंने बताया है। बैक पर यहाँ पर अच्छी फिनिश के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छी फिनिश है जिसमें पकड़ काफ़ी अच्छी बन रही है, और यहाँ पर इन्होंने कैमरा एक और कैमरा दे रखा है। तो यहाँ पर दो कैमरा है, एक यहाँ पर फ्रंट पे है और यहाँ पर एक बैक में कैमरा है। बाकी और कुछ यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। तो अब चलिए इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये है 7 इंच का IPS डिस्प्ले
जिसमें हमें 1024x600 की इसका रिजोल्यूशन मिलेगा। साथ में हमें, जैसे कि मैंने बताया था, दो कैमरा है, एक तो फ्रंट में और एक बैक में, तो ये दोनों कैमरा है 2x2MP के, मतलब 2x2MP के दोनों कैमरा है और दोनों का फोकस फिक्स है। इसका जो ऑडियो है, तो मैंने जैसे बताया था यहाँ पर, इसमें फ्रंट का जो स्पीकर इन्होंने दे रखा है, इसका ऑडियो यहाँ से होगा। 1.3 GHz क्वाड कोर 64-bit का MediaTek का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ये 8GB का वेरिएंट है, इसका 16GB का एक वेरिएंट और आता है। और इसमें जो दे रखा है माइक्रो SD कार्ड के ज़रिए आप 64GB तक आप इसे एक्सपांड कर सकते हैं। ये है इसमें 1GB की जो इसे है, इसमें रैम दे रखी है और इसकी कनेक्टिविटी है वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू और GPS के थ्रू, जैसे इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो हो सकता है। और साथ साथ में जो इसकी बैटरी की कैपेसिटी है वो है 3450 mAh की, और इसका जो एंड्रॉयड है वो एंड्रॉयड का वर्जन है 7। सेंसर है जी सेंसर एंड एक्सेलेरोमीटर। और दोस्तों साथ साथ में इसके यहाँ पर जो फीचर दे रखे हैं, ये काफ़ी थिन बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि काफ़ी पतला है, जो आपके हाथों पर काफ़ी अच्छे से पकड़ में आ जाएगा और इसे रखने में और कहीं पर भी स्टोर करने में काफ़ी आसानी होगी। ये अदर टाइप के कंपैरिजन में मेरे ख्याल से पतला, ऐसा ये बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि काफ़ी लाइट है ये, काफ़ी इसका वज़न जो है वो काफ़ी कम है। और ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एंड्रॉयड 7 पर काम करता है, तो एंड्रॉयड अभी 7 और काफ़ी सिस्टम पे चल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है मल्टी यूज़र अकाउंट, तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है मल्टी यूज़र अकाउंट। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप इस मल्टी यूज़र अकाउंट को, फीचर को आप यूज़ करते हैं, तो न सिर्फ आप अपने खुद के वॉलपेपर, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका पर्सनल टैब है ये। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2-3 यूज़र इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो सबको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ उन्हीं का टैब है, क्योंकि उनके हिसाब से पर्सनलाइज सारा हो जाएगा यहाँ पर, वॉलपेपर और दूसरी चीज़ें भी। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसके जो भी फीचर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इसको बताया गया है कि ये काफ़ी लाइट है, वेट है और काफ़ी थिन है। और इसके अंदर जो एंड्रॉयड का जो वर्जन दे रखा है वो 7 है। और दोस्तों इसकी जो प्राइस फ़िलहाल है वो करीब 5000 के अंदर आपको ये मिल जाएगा, जो कि अमेज़न पे अभी अवेलेबल है। और ये सिर्फ एक कलर में आता है, जो कि है स्लेट ब्लैक। और साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये दो वेरियंट में मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 8GB का और 16GB का दो वेरिएंट में मिलेगा, लेकिन रैम सेम रहेगी 1। दोस्तों इस टैब के बारे में मेरी राय यह है कि यह टैब बच्चों के लिए या एंट्री लेवल में काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी रीजनेबल है, करीब 5000 के अंदर आपको मिल जाएगा। 7 इंच का आपको मिलेगा, HD लगभग इसकी क्वालिटी है, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें एक मीरा विजन करके एक इन्होंने फीचर दे रखा है, जिसकी वजह से पिक्चर इसमें विविंग और पिक्चर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों साथ साथ में जैसे कि मैंने कहा कि इसमें सिम स्लॉट नहीं है, और अगर आप इसे बच्चों को देते हैं तो वो किसी को कॉल नहीं लगा पाएंगे, जब इसमें सिम है ही नहीं तो कॉल कैसे लगाएंगे। अगर वो वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं और क्या यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ भी आपको पता लग सकता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये टैब साबित हो सकता है, आप बच्चों पर नज़र रख सकते हैं, बच्चों की जो भी एक्टिविटी पर नज़र रख सकते हैं कि वो किस तरह के चीज़ देख रहे हैं, क्या देखें क्या नहीं देखें, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी राय इस टैब के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर एक रेड बटन है, जी हाँ इस तरह का ही है, और वो सब्सक्राइब का है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में एक बेल आइकन आएगी, उसे दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जो वीडियो जो भी नए बनते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। और जो भी पुराने सब्सक्राइबर या इस फैमिली के मेम्बर हैं, प्लीज़ इस बेल आइकन को एक बार दबा दीजिए और हमारा जो आपसी कनेक्शन है वो और मजबूत कर दीजिए और फास्ट कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से मैं अपने नए वीडियो आइडियाज़ और अपनी अनबॉक्सिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। मेरे अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।